मिलर टाइम्स में खुश आमदीद। इसराइल की इस दहशतगर्दी और बर्बरता को तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। आम शहरियों, बच्चों, मासूमों और ख़वातीन के कत्लेआम के साथ साथ अब इसराइल लगातार जर्नलिस्ट के ख़ानदानों को भी निशाना बना रहा है, जर्नलिस्टों का कत्ल कर रहा है। और कल एक जर्नलिस्ट के पूरे ख़ानदान का जिस तरह इसराइल ने कत्लेआम किया है, वो तारीख का सबसे शर्मनाक वाक़या है। स्क्रीन पर आप इस तस्वीर को देखिए। अल जज़ीरा के गज़ा पट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी वायल अद्दहदू हैं। इनके पूरे ख़ानदान को कल इसराइल ने बमबारी करके कत्ल कर दिया। और इनके ख़ानदान में जिन लोगों का कत्ल किया उसमें इनकी बीवी शामिल है, इनका जवान बेटा, जवान बेटी शामिल है, इनके पोते पोती शामिल है और दूसरे अहल खाना भी शामिल है। कुछ दिन पहले ही इनकी बेटी और बेटे ने एक वीडियो जारी करके गज़ा पट्टी की वहशतनाक सूरत हाल से पूरी दुनिया को वाकिफ़ कराया था और पूरी दुनिया को बताया था कि गज़ा पट्टी अब रहने के काबिल नहीं रह गया है। कहाँ है यूनाइटेड नेशन, कहाँ है इंटरनेशनल लॉ, हमारी मदद क्यों नहीं की जा रही है? आप इन दोनों की इस वीडियो को देखिए। Do you know what's happening in Gaza Strip? For the fifth day, Gaza Strip is living in a continuous violence, a complete siege and cutting off electricity, internet and water and targeting safe houses. And the most violence war we have lived in Gaza. Where are the human rights? Where are the international laws? Where are the countries of the world to see what's happening for us? Help us to stay alive. इन दोनों नौजवान लड़के और लड़की का कत्ल कर दिया है इसराइल ने। इनके बच्चे थे, इसका भी कत्ल कर दिया इसराइल ने। इनकी माँ का भी कत्ल कर दिया है इसराइल ने। और वायल अद्दहदो अब तन्हा बच गए हैं। और इससे भी ज़्यादा अंदोहनाक खबर जिसको सुनकर शायद अब बर्दाश्त नहीं कर पाए, आपके आँखों से आंसू बह पड़ेंगे, कि अल जज़ीरा के रिपोर्टर जब अपना रात का शो कर रहे थे और उन्होंने अद्दहदो से राबता किया पूरी जानकारी लेने के लिए, तो उन्होंने नॉर्मल अंदाज में अपनी खबर सुनाई कि आज इसराइल ने बमबारी करके मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरे पोतों का कत्ल कर दिया है। और फौरन अल जज़ीरा के एंकर को समझ में नहीं आ सका, उनको लगा कि आम दिनों की तरह खबर बता रहे। लेकिन अचानक उनको एहसास हो जाता है कि आज इसराइली दहशतगर्दों ने खुद इनके बच्चों का कत्ल कर दिया है। फिर वो भी रो पड़ते हैं, आंसू उनके आंखों से जारी हो जाता है। आप स्क्रीन पर विजुअल देखें। और इसी के साथ अपने बुलेटिन को जारी रखते हैं, खबरें बताते हैं कि इसराइली बम्बारी में अल जज़ीरा के सीनियर जर्नलिस्ट अद्दहदोह की बीवी, उनके बच्चे और उनके ग्रांड सब का कत्ल कर दिया है इसराइल ने। और ये दहशतगर्दी और बर्बरता की इंतहा है। और अब तक तकरीबन 15 से ज़्यादा जर्नलिस्ट का ही कत्ल किया गया है। और अब इसराइल की आर्मी ने, इसराइली दहशतगर्दों ने जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स और जो दूसरे इंटेलेक्चुअल हैं उन सब के ख़ानदान को, उनकी फैमिली को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसराइल अब ये चाह रहा है कि गज़ा पट्टी में इंसानों का, फ़िलिस्तीनियों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का कत्लेआम करे, उनके खून को बहाए, चर्च को मुनहदिम करे, मस्जिदों को मुनहदिम करे, हस्पताल पर बमबारी करे और दुनिया में किसी को इसकी खबर भी ना हो सके, कोई इसकी रिपोर्टिंग ना कर सके। और इसीलिए अब दो को, यानी एक तो जर्नलिस्ट उनके परिवार को और दूसरे डॉक्टर और उनके परिवार को लगातार निशाना बना रहा है इसराइल। और इस मामले में इसने तमाम हदों को पार कर दिया है। शर्म की बात यह है कि अक़वामे मुत्तहिदा की बात मानने को तैयार नहीं है, पूरी दुनिया का खुद मुख्तार खुद को समझ रहा है और ये सब अमेरिका की वजह से हो रहा है। इसराइल को ये ताकत, ये हौसला अमेरिका से मिल रहा है। सच पूछे तो इस जंग में अमेरिका बराह रास्त मुलविस है। इन बच्चों के कत्ल के लिए, इन बेगुनाहों की हत्या के लिए, इस बर्बरता और आतंकवाद के लिए जिम्मेदार सीधे सीधे अमेरिका है। अगर अमेरिका बीच में ना कूदे, अमेरिका बीच में ना आए, तो वहीं के लोग ही इसराइल से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इसराइल बेगुनाहों को मार रहा है। इस जंग को 20 दिन पूरे हो गए हैं, पूरी दुनिया मांग कर रही है सिवाय चंद कंट्रीज़ के, जिसमें यूके और यूएसए शामिल है, कि जंग बंदी हो ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर। लेकिन ये जंग बंदी करने को तैयार नहीं है। और अब इस तरह
पूरे पूरे खानदान को ही निशाना बनाया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।